स्टेट विजिलेंस ने घूसखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि करनाल के नगर पालिका इंद्री में कार्यरत अकाउंटेंट को सैनिटरी इंस्पेक्टर से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी ठेके पर लगे कर्मचारियों को अपना निशाना बना नौकरी से हटवाने के नाम पर पैसे ऐंठता था। बताते चले कि राज्य ब्यूरो चौकसी की एक टीम ने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट प्रवीण को काबू किया है। आरोपी अधिकारी को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि विकास नामक युवक सैनिटरी इंस्पेक्टर इंद्री नगर पालिका में डीसी रेट पर कार्यरत है। प्रवीण अकाउंटेंट द्वारा उसको नौकरी पर बने रहने की एवज में 20,000 रिश्वत की मांग की थी। विकास ने इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी थी। विजिलेंस की एक टीम ने कार्यवाही करते हुए देर शाम प्रवीण को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। विकास के पिता महेंद्र तोमर ने बताया कि अकाउंटेंट प्रवीण द्वारा डीसी रेट पर लगे कई कर्मचारियों को लगातार तंग किया जा रहा था। प्रवीण नौकरी पर बने रहने के लिए कच्चे कर्मचारियों से 20,000 प्रति कर्मचारी की मांग करता था। वहीं ब्यूरो चौकसी टीम के इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट प्रवीण को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इंद्र से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर मेडिकल करवाकर आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रकरण में और कौन कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं, इसके बारे में भी जांच की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं सेक्टर 8 स्टेट विजिलेंस ब्रांच की, जहां पर इंद्री नगर पालिका में कार्यरत एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि स्टेट विजिलेंस ब्रांच करनाल द्वारा इंद्री नगर पालिका में कार्यरत प्रवीण कुमार क्लर्क को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। ये जी करना इसमें सेंट्री इंस्पेक्टर था पर विकास पाल, इससे 20,000 रुपये की मांग की थी, रिश्वत की मांग की थी कि मैं आपको पक्का करवा दूंगा और नहीं अगर नहीं देगा तो आपको मैं निकलवा दूंगा। तो इसने वहाँ पर पैसे मांगे थे, इंद्री में जाकर पैसे मांगे थे दफ्तर के सामने। हमारी टीम वहाँ पर गई, वहाँ जाके इसे ये पैसे लेके और थ्रिल में बैठ लिया था, तो हमारी टीम ने वहाँ उसको दबोच लिया और उससे पैसे। तो ये अकाउंटेंट है सर? ये अकाउंटेंट है। इसका क्या नाम है सर? इसका प्रवीण कुमार। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब इसके खिलाफ मुद्दा दर्ज कर दिया इसको मेडिकल। तो पैसे की डिमांड कितने की थी सर? 20,000 की डिमांड की थी, 10,000 प्रवीण की। और लोगों से भी पहले डिमांड की है सर? वो पता चलेगा, अभी पूछताछ में। कहा क्या था सर नौकरी लगवाने के लिए? नहीं, नौकरी करता था ये ठेके कच्ची नौकरी पे लगा हुआ था, लगातार आगे करवाने के लिए मांग रहा था इससे। तो अब क्या कार्रवाई की गई है, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? अभी तो इसका 7वीं सेक्ट का धारा किया है। तो रंगे हाथों भी 10,000 रुपए पकड़े। यहाँ पर की रेड पार्टी ने कहा? रेड पार्टी करनाल की थी हमारी। कहाँ रेड की? इंद्री जाके ड्यूटी मजिस्ट्रेट था कंचन लता जी थी, बीडीपीओ कहाँ से पकड़ा? बीडीपीओ वहाँ नहर के पास था, ऑटो में बैठ लिया, पैसे लेके ऑटो में बैठ लिया था, तो वहाँ से इसको फिर उतार के। आपका नाम सर? इंस्पेक्टर जगत सिंह। भाई मेरा लड़का सैनिटरी इंस्पेक्टर इंद्री इसमें नगर पालिका में ये ठेकेदार प्रथा के तहत लगा हुआ है और यहाँ प्रवीण शर्मा नाम का जो उमरी से है अकाउंटेंट है, वो बार बार जितने भी अस्थाई बच्चे यहाँ लगे हुए हैं उन उसको बार बार उनको टॉर्चर करता है और उनसे पैसे आंटता है और दम क्या देता है भी मेरे को इतने पैसे दो अन्यथा मैं आपको तुरंत रिलीव कर दूँगा। एक दिन तो खुद मैंने भी फ़ोन सुन लिया अचानक ही, मैंने उसी दिन निर्णय लिया मैं कभी इसको चलो 20,000 मांग रहा दे तू उसको 10,000 रुपये दे और ये कार्रवाई करवाई। फिर उसके खिलाफ विजिलेंस को कहा आपने? विजिलेंस ने को मैंने नहीं कहा, मेरे लड़के ने कहा, ठीक है, और फिर उसको पकड़वाया 10,000 रुपये रंगे हाथों पूरे। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए? हाँ, मैं बीजेपी में प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और अम्बाला लोकसभा का प्रभारी हूँ ओबीसी मोर्चा में। दूसरे लोगों से भी रिश्वत की पहले मांग कर चुके हैं? यदि इसका सही खुलासा सारा अब करे ना विजिलेंस, पता लग जाए क्या क्या इसने किया हुआ। अकाउंटेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है, वहाँ 10 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री जी दे गया था नगर पालिका में भगवान की दया से, और करोड़ों रुपए कर्णदेव ने दिए हुए हैं। यदि सारा वेरवा इसका देखा जाए ना अकाउंटेंट का भी कहाँ कहाँ से इसने क्या कुछ किया, पता लग जाएगा सारा। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र तोमर है। ब्रांच
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।